Hey, what's up everybody? This is Sagar. Welcome back to my YouTube channel. तो सीन कुछ ऐसा है आज का कि सुबह के हो रहे हैं 6 और हम जा रहे हैं आज राइड पे, जो कि बिल्कुल कन्फर्म है। तरुण को मैंने उठा दिया, तरुण बस आता ही होगा और उसके बाद हम निकलते हैं। अभी का सीन ये है कि मैं हूँ बिल्कुल रेडी, बस मुझे नीचे जाना है, अपनी बाइक को बाहर निकालना है, थोड़ा सा उसका कपड़ा पड़ा मारना है, क्योंकि कल रात को अचानक से प्लान बना था। बाइक बिल्कुल धुली हुई नहीं है, तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया जितना साफ होता है, और उसके बाद चलते हैं सीधा। तो हम लोगों का पहला स्टॉप लगा है पेट्रोल पंप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पेट्रोल भरवाना। भाईजान ठीक हो? कैसे गम में खड़े हो यहाँ पे? ब्लॉगिंग हो रही है आज? पता नहीं कितने सालों के बाद ये ब्लॉग कर रहा है लड़का। तो सीन कुछ ऐसा है कि पता नहीं कितने दिनों बाद मैं सुबह 5:30 बजे उठाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि आलस फैल रहा है। मतलब मैं 8 बजे तक उठ रहा हूँ, आई डोंट नो क्या रीज़न है। और मैं सुबह सुबह उठ के पार्क वगैरह चला जाया करते थे तरुण और मैं, वो भी हमारा छूट गया है। काफ़ी दिनों से नहीं जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हमें 4-5 दिन हो गए हैं या फिर हफ्ता भर तो हो ही गया होगा कि हम लोग पार्क वगैरह भी नहीं गए हैं। सुबह सुबह मतलब लेट ही उठ रहे हैं। लीन करने में अब मैं को पता नहीं कि मैं कितना अच्छा लीन कर पाता हूँ, ये मैं अभी तरुण से पूछने वाला हूँ। तरुण डेफिनेटली मेरे को बताने वाला है इस बारे में कि मैं कितना लीन करता हूँ अपनी बाइक को। मैं ज़रूर पूछूंगा उससे और सही भी कर रहा हूँ या फिर बस ऐसे ही है, ये समझ में आना चाहिए। रोड पे मुझे ज़्यादा ट्रक दिख रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा ट्रक हैं। तो गाइज ये है थ्रॉटल शॉटल, हम यहाँ नहीं रुकने वाले आज, आज हमारा आगे का प्लान है बिल्कुल। और काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और ये एक और बाइकर्स का ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है। लगता है यहाँ पे स्टंट होने वाले हैं, फीलिंग तो ऐसी आ रही है। और इसलिए बताऊँ गाइस कि मैं भी ये सब चीज़ कर सकता हूँ, मैं भी तेज भगा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यार दिक्कत पता है कहाँ पर आती है? मेरे पास गैस नहीं है अच्छे, और इस दौरान अगर कहीं कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा लगेगी यार, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते, 60-70 या 80-80 इनफ होता है हमारे लिए, और हम अभी बिगिनर्स हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही है। और आई एम ग्लैड कि मैंने 150 सीसी पे स्पेंड किया, ना कि 300 सीसी या फिर 250 सीसी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद मेरे लिए ज़्यादा पावर होती, क्योंकि अभी एज एन बिगिनर ये मेरे को बेस्ट बाइक लगती है। वो गाइस देखो पहाड़ आ गए, पहाड़, हम तो चले थे नॉर्मली यार, यहाँ तो हम पहाड़ों पे पहुँच गए। देख रहे हो क्या व्यू है पहाड़ों का? जस्ट किडिंग गाइस, ये कूड़े का ढेर है। हाँ आपने सही सुना, ये कूड़े का ढेर है। तो दिल्ली के हर एक कोने पे आपको इतने बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे कूड़ों के, ये नॉर्मली है। यहाँ तो हालत ऐसी होगी कि हेलमेट उतारने का मन भी नहीं कर रहा, एक तो बहुत फिक्स हो गया है ना, तो बार बार निकालना। हम खड़े हैं हनुमान जी के बिल्कुल नीचे, हनुमान मंदिर के नीचे ही अभी बंद है, अंदर शायद एंट्री नहीं है। एंट्री मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मतलब मैंने कभी अंदर नहीं किया, बस मैं यहाँ बाहर से हमेशा देखा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे बाइकर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि कितने दिनों बाद मैंने इतनी सारी बाइकें देखी हैं। तरुण मैं सोच रहा हूँ हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, क्या बोलते हैं? चलना चाहिए बट अभी टाइम हो रहा
10 मिनट और रुकते हैं, चलते हैं। हाँ भाई हेलमेट पहन रखा है, सर दर्द हो गया इसे खड़े खड़े सर हिलाते हिलाते। एक्चुअली दिक्कत ये है, इसने भी हेलमेट नहीं उतारा, मैंने भी नहीं उतारा, मैंने भी इसलिए नहीं उतारा क्योंकि ताम झाम में थोड़ा सा यार उसे खोलने में दिक्कत होती है, तो एक ही जगह उतारा जाए है ना। और यहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी हैं, ये रही तरुण की, ये रही मेरी, अच्छी लग रही है, मस्त है। और यहाँ पे हनुमान जी। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि फाइनली परेशान होकर हम दोनों ने अपने हेलमेट उतार दिए हैं, सर में भी दर्द हो गया था क्योंकि बहुत देर से पहना हुआ था, और घर से सीधा निकले हैं और यहीं पे आके रुके हैं। अभी तरुण ना अपनी फुटेज चेक कर रहा है कि उसमें आवाज़ कैसी आ रही है। हेलमेट उतार दिया है तो एक बार पूरे तरीके से व्लॉग कर लिया जाए, अच्छा लगता है ऐसे। और पीछे हनुमान जी कितने मस्त लग रहे हैं, चलें। बोया शोर भी हो रहा है, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, ज़्यादा थ्रोटो छोटे जाएंगे या फिर कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया। अब दोनों में से कहाँ बैठ गया मेरा ब्रेकफास्ट होगा वो देखना पड़ेगा। इसकी बात कर रहा था ये कह रहा है ये क्या कहते हैं KTM वाले और जो सुपर बाइक वाले हैं ये पास से टोटल देते हुए क्यों निकलते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो मैं तो जब पूछे जब हम ये खुद ही यूज करेंगे। तू चल आगे तो को जहाँ सही लगे वहाँ बैठे। एकदम स्टार्टिंग में से थोड़े खाली थे वो ठीक लगे थे, बाद में थोड़े सही लगे थोड़ा सही। देखो जो भी सही लगे वहीं पर रोक लियो, आगे चल यू टर्न ले लो। ये वो वाली बाइक है जिसको देख के मुझे बाइक का शौक चढ़ा था, सेम यही कलर। तो सीन कुछ ऐसा है अभी का कि तरुण ने हमें एक बेहतरीन से ढाबे पर रुकवा दिया है। एक्चुअली क्या सीन था कि तरुण को मैंने आगे बोला कि देखो जहाँ सही लगे तो वहाँ रोक दे, क्योंकि मैं तो ये था थैंक यू भैया तो मतलब मेरा तो सीन ये था कि मैं कहीं पर भी बैठ गया क्योंकि मैं ना सेकंड टाइम आ रहा हूँ, इससे पहले नहीं आया और यहाँ ढाबे पे तो कभी कुछ ट्राई भी नहीं किया है। तेरा क्या रहा है तुम? मेरे को तो बस ये था थोड़ी शांत जगह चाहिए थी जहाँ पे कोई ना हो, क्योंकि भीड़ ना बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है। तेरे पीछे लोग बैठे थोड़ा डिस्टेंस है, इसके पीछे कुछ लोग बैठे कह रहे थे डिस्टेंस है कुछ नहीं है। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है आलू पराठे और चाय। सीन कुछ ऐसा है इसकी तरुण के ना यह हेलमेट में चीटियाँ घुस गई, वो इसके अंदर घुस गई हैं, सारी चीटी इसके अंदर घुस गई हैं क्योंकि हमने यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ पे चीटियाँ थी बहुत ज़्यादा, वो बाद में आई पहले नहीं थी तो इस चक्कर में दिक्कत हो गई, पेड़ से गिरी है ना। सीन ऐसा है कि हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब सीधा निकलते हैं घर। जैसे इसके हेलमेट से यहाँ चीटियाँ निकल जाती हैं, ये रखा हुआ है हमने, हम घर के लिए निकल जाएंगे।